किस विचार में खोई हो देवी? घट घट व्यापी अंतर्यामी महादेव भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में विचार कर रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम सती अनसुईया और उनके पुत्रों के विषय में सोच रही हो। स्वामी, सती अनुसुईया और दत्तात्रेय से अधिक मैं दुर्वासा के विषय में विचार कर रही हूँ कि रुद्रावतार होते हुए भी वे लंबे समय से आपके दर्शन करने क्यों नहीं आए। सुनो देवी, अपने उस उग्र स्वभावी रुद्रावतार से हम कभी यहाँ आने की अपेक्षा रखते भी नहीं। वे अपने ही धुन में खोए भ्रमण करते रहते हैं और जो भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करता वो उनके कोप का भाजन बनकर उनसे श्राप का उपहार पाता है। श्राप तो दुख और पीड़ा का कारण होता है स्वामी, आप इसे उपहार क्यों कह रहे हैं? दुर्वासा का श्राप उपहार ही होता है देवी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अस्वस्थ बालक के मुंह में डाली गई कटु औषधि माता का उपहार ही होता है। दुर्वासा का श्राप तत्काल दुखदायी होते हुए भी श्रापित व्यक्ति के लिए अंत में कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। इसीलिए तुम्हें दुर्वासा के श्राप के विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी तो अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ स्वामी। वो रहा महल, महल के निकट पहुंच गए ना। कौन हो तुम? कहाँ चले जा रहे हो? हमें महाराज दुष्यंत से मिलने जाना है। क्यों मिलना है महाराज से? अति आवश्यक है हमारा उनसे मिलना। और तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? हम सब कर्ण ऋषि के आश्रम से आए हैं। ये गौतमी माई है, ये कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला है। आप दोनों कर्ण ऋषि के शिष्य हैं? हाँ, अब हम भीतर जाएं? नहीं, महाराज की आज्ञा के बिना महल में प्रवेश करना संभव नहीं है। कैसे प्राप्त होगी महाराज की आज्ञा? आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर महाराज से निवेदन करते हैं। चलो। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, राजमहल के द्वार पर कुछ आश्रमवासी आए हुए हैं। कौन है ये आश्रमवासी? कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। दो उनके शिष्य हैं, एक उनकी पुत्री है शकुंतला और साथ में एक वृद्धा गौतमी माई है। शिष्य शकुंतला, गौतमी माई, कौन है ये सब? ठीक है, वो जो भी हो हमारी आज्ञा है, उन्हें अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? सोचते हैं कि आश्रमवासी अचानक हमसे भेंट करने कैसे चले आए। वन व्यवस्था अथवा आश्रम के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, अथवा आप कभी आखेट में गए होंगे तो वन में आश्रम वासियों पर कृपा करके सहायता देने का वचन दे आए होंगे। संभव है उसी उद्देश्य से आए हों। नहीं पुरोहित जी, नहीं, हमने कभी किसी को ऐसा कोई वचन नहीं दिया और न ही हम किसी गौतमी और शकुंतला को जानते। महाराज की जय हो। जिन महापराक्रमी और चक्रवर्ती राजा की जय जयकार संपूर्ण आर्यावर्त में गूंज रही है वे शकुंतला को नहीं जानते। कण्व ऋषि के आश्रम में आकर आपने जिससे गंधर्व विवाह किया आप उसको नहीं जानते? आप कहते हैं कि हमने कण्व ऋषि आश्रम में आकर इस स्त्री के साथ गंधर्व विवाह किया है? हाँ महाराज दुष्यंत, आश्रम में रहने वाली शकुंतला की सखिया ही नहीं, आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी इस घटना के साक्षी है। आपसे गंधर्व विवाह करने के पश्चात शकुंतला अब गर्भवती हो चुकी है, इसलिए कण्व ऋषि ने निवेदन किया है
कि आप इसे अपने धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जो सत्य है वो ही कह रही हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं असत्य है, मिथ्या आरोप है। आप हस्तिनापुर के पूर्व वंशी राजा पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। हमने तो कभी कण्व आश्रम में प्रवेश भी नहीं किया, तो फिर इस स्त्री के साथ विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी राजरानी बनने का लोभ इस स्त्री को यहाँ तक खींच लाया है और आप सबको इसने भ्रमित कर दिया। स्वामी, मुझ पर मिथ्या दोषारोपण न करें। आपने स्वयं कण्व ऋषि के आश्रम में मुझसे प्रणय निवेदन किया था, क्या ये सब आप भूल गए? प्रिया चरित्र के विषय में हमने बहुत कुछ सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष ही देख लिया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक स्त्री असत्य को सत्य कहने से भी ले जाती नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आश्रम से जाते समय शीघ्र लौट कर आने का और मुझे अपने साथ ले जाने का वचन दिया था, क्या आप ये सब भूल गए? क्या आप ये भी भूल गए कि अपने प्रेम के चिन्ह स्वरूप आपने मुझे एक मुद्रिका दी थी? मुद्रिका? हमने तुम्हें प्रेम चिन्ह के रूप में मुद्रिका दी थी, तो कहाँ है वो मुद्रिका? मुद्रिका? कहाँ है मेरी मुद्रिका? कहाँ गई होगी मुद्रिका? कण्व ऋषि आश्रम में रहने का ढोंग करने वाली प्रवंचिका, तेरे नाट्य की कथा काल्पनिक है, जिसमें कोई पात्र ही नहीं। जिस मुद्रिका की तुम चर्चा कर रही हो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। हम अपने राज्यसभा में किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते, इसीलिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करते हुए इतना ही कहेंगे कि तुम यहां से उसी मार्ग से लौट जाओ जिस मार्ग से आई थी। तुम गर्भवती हो, इसीलिए हम राज्य की ओर से तुम्हें आश्रय देने तथा प्रसूति की सुविधा देने का प्रबंध कर सकते हैं। राजपुरोहित जी, आप प्रसूति तक इस स्त्री की व्यवस्था का दायित्व संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शकुंतले, नहीं। दिव्यांगना मेनका की अनुपस्थिति हो तो ये स्वर्ग लोग सुना सुना लगता है, क्यों देवी शची? हाँ, और आज मेनका की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हर्षोल्लास का वातावरण जाग उठा है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि आप चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। मैं स्वर्गलोक में आया अवश्य हूँ, किंतु आपके पास नहीं। अर्थात? मैं कठोर और पाषाण हृदय माता के पास आया हूँ, उसकी सोई हुई चेतना जगाने के लिए। देवर्षि, आपका आशय अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो जाएगा देवराज, आप धैर्य रखें। दिव्यांगना अनश्वर मेनका, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो अपनी अनश्वरता से उत्पन्न नश्वर चिन्ह वहां क्यों छोड़कर आ गई? मातृत्व जो संपूर्ण जगत में अमृत का सार है, उसे अपमानित करने का अपराध क्यों कर डाला तुमने? तुम्हारा मानस यदि मातृत्व के भार को नहीं उठा सकता था तो फिर उसे स्पर्श करने की आवश्यकता भी क्या थी मेनका? मातृत्व और वत्सलता को यदि तुम्हारी चेतना कक्ष में प्रवेश वर्जित था तो फिर पृथ्वी पर जाकर भोग की प्रवृत्ति को जागृत करने का कष्ट क्यों किया तुमने? यदि तुम्हें धरती से ऊपर ही रहना था और धरती की भांति जन्म देकर अपनी ही उत्पत्ति को अपने ही वक्ष से लगाने में यदि तुम्हें संकोच था मेनका, तो फिर तुमने जन्म ही क्यों दिया उस मानव शरीर को जो तुम्हारे दोष निर्दोष होकर भी श्राप की
पीड़ा की भांति भुगत रही है। मेनका, तुमने अपने जीवन और यौन को अक्षय रखने के प्रयत्न में अपनी ही पुत्री को क्षय के अंधकार में खाई में क्यों ढकेल दिया? बताओ मेनका, तुम्हारे पास क्या इसका कोई उत्तर है? मेरी विवशता को समझिए देवर्षि। एक बार स्वर्ग लोक लौट आने के पश्चात मैं अपनी विगत भूलों को भूल जाना चाहती हूँ। पृथ्वी लोक और पृथ्वी वासियों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण। स्थान और लोक के परिवर्तन हो जाने से मेनका, लोक भावना, माता और पुत्र के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि ऐसा होता तो जगत से माता, ममता और महानता ये तीनों समाप्त ही हो जाते। कौन बतलाएगा कि क्या दोष था उस निर्दोष शकुंतला का? तुम तो चली आई उसे धरती पर छोड़कर, किंतु तुम्हारे जाते ही दुर्भाग्य के क्रूर पंजों ने उसे अपने पाश में दबोच लिया। नवजात शिशु हिंसक पशुओं के बीच घनघोर वन में नितांत अकेला मातृत्व की आशा में अपने हाथ पांव फेंकता रो रो कर करुणा का कल्पांत करता रहा। कल्याण करे विधाता उस कण्व ऋषि का जिन्होंने समय पर वहां पहुंचकर उस नवजात बालिका को शरण दी। तत्पश्चात उसे अपने आश्रम में ले जाकर अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन किया। सयानी हुई तो राजा दुष्यंत वहां पहुंचे उस पर मोहित होकर अपने प्रेम का निवेदन करने गंधर्व विवाह भी कर डाला। राजा दुष्यंत तो चले गए, परंतु उनके जाने के पश्चात उनकी मधुर स्मृतियों में खोई शकुंतला की झोली में आ गिरा ऋषि दुर्वासा का श्राप। के उसका स्वामी उसे भूल जाएगा। जब स्वामी के पास पहुंची तो श्रापग्रस्त स्थिति की मारी शकुंतला दंग रह गई। ये जानकर कि राजा दुष्यंत उसे भूल चुके हैं, मेनका वो आज घनघोर वन में अपने भावी संतान को जन्म देने के लिए अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रही है। शकुंतले! मिलाप करने से क्या होगा शकुंतला? जब राजा दुष्यंत तुम्हें सुविधा प्रदान कर रहे थे तो फिर तुमने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? हाँ? अच्छा, अब हमारे साथ आश्रम लौट चलो। नहीं, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? हाँ? महर्षि कण्व, तुम्हारी करुण कथा सुनकर तुम्हारी सारी भूले क्षमा कर देंगे। नहीं, अब मैं बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। शकुंतला, तुम अब माँ बनने वाली हो, इधर उधर कब तक, कहाँ तक भटकोगी, कहाँ तक भटकोगी? माता के होते हुए पुत्री को भटकने की क्या आवश्यकता है? चलो शकुंतला मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आई हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने आई हूँ पुत्री, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी माता हूँ मेनका। ये समय आश्चर्य और प्रश्न करने का नहीं है शकुंतले, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ पुत्री। राजा दुष्यंत के आश्रम में जाना तुझे स्वीकार नहीं था, बाबा के आश्रम में आना भी स्वीकार नहीं है। अब तो तेरा हित इसी में है कि तू अपने माँ के साथ लौट जा। लौट जा बेटा। बाबा को जाकर कहना कि उनके आशीर्वाद से जब मैं संकट से मुक्त हो जाऊंगी तब उनके मैं आश्रम में अवश्य दर्शन करने आऊंगी।
चलो पुत्री, चलो मेरे साथ। ऋषिवर मरीचि, मैं आपके शरण में आई हूँ। स्वर्गलोक और देवराज इंद्र को छोड़कर ऋषि की शरण में? हाँ ऋषिवर, अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। ये विपदा की मारी है तथा गर्भवती भी है। इसके पति महाराज दुष्यंत ने इसके साथ अन्याय किया है, अथवा ये कहें कि दुर्भाग्य प्रबल है। ये विपत्ति से घिरी हुई है ऋषिवर, कृपया मेरी पुत्री को शरण दे। इनका आश्रम में आश्रय लेने के लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। विपत्तिग्रस्त प्राणियों की सहायता करना आश्रम वासियों का कर्तव्य ही नहीं परम धर्म होता है। तुम्हारी पुत्री शकुंतला एक महान पुत्र की माता बनेगी मेनका। मेनका, उस महान पुत्र के आगमन के साथ ही इसकी सारी विपदाओं का अंत हो जाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। शकुंतला,